हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण की फोकस दूरी पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क्या है हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात एफ, जिसको हम फोकस दूरी बोलते हैं, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर कह रहा है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या अर्थात आर, आर की वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो चूंकि हम फार्मूला जानते हैं दर्पण का, वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, और यहां से हम निकालेंगे आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 20। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय में कंफर्म है, पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सवाल, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, अर्थात आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रहा है और हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि एफ की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ बराबर होता है आर अपान 2। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हम रखेंगे आर की वैल्यू 30 अपान 2, ये हो जाएगा आर बराबर 15 दूना 30 कट जाएगा सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर आंसर फोकस दूरी हो जाएगा। चलिए